हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पार्ट एमसीक्यूज की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 2024 के जितने भी टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं 2024 के, उसके लिए सवालात बिल्कुल पास्ट पेपर से लिए गए हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, द थर डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? सिंध, ऑप्शन बी यहाँ पर रुझान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है, द पानामा कैनाल कनेक्ट विद विच टू ओशियंस? पानामा कैनाल कौन से दो ओशन को मिलाते, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन? ऑप्शन बी 51 में दो जवाब है। 52 नंबर पर क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना इज, अर्जेंटीना का जो करेंसी है वो ऑप्शन बी है पीसो है, उसका आपका दो जवाब पीसो है। 53 नंबर पर क्वेश्चन है, द ग्रेट रिफ्ट वैली नोन फॉर इट्स जियोलॉजिकल फीचर इज लोकेटेड इन ग्रेट रिफ्ट वैली, जो जियोलॉजिकल फीचर की वजह से ये कहाँ पर वाक़ है? अफ्रीका, ऑप्शन सी 53 नंबर पर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब आपका ऑप्शन सी है अफ्रीका। 54 नंबर पर क्वेश्चन है, द स्विस कैनाल कनेक्ट द मेडिट्रेनियन सी विद विच बॉडी ऑफ वाटर? यहाँ पर आपका दुरुस्त, स्विस कैनाल कनेक्ट करता है मेडिट्रेनियन सी को किसके साथ कनेक्ट करता है? रेड सी के साथ, आपका ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, रेड सी के साथ मेडिट्रेनियन सी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, द फेमस एंशियंट सिटी ऑफ पेट्रा इज लोकेटेड इन विच मॉडर्न डे कंट्री? फेमस मशहूर एंशियंट सिटी पेट्रा ये कहाँ पर वाक़ है? जॉर्डन में वाक़ है, आपका दुरुस्त जवाब है 55 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी है। 56 नंबर क्वेश्चन है, द काराकोरम हाईवे कनेक्ट पाकिस्तान विद विच नाइबरिंग कंट्री? काराकोरम हाईवे कनेक्ट करता है पाकिस्तान को चाइना के साथ, आपका दुरुस्त जवाब है चाइना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, द सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन हाईएस्ट बैटल फील्ड, जो जंग का मैदान है सियाचिन ग्लेशियर, ये आपका कहां पर वाक़ है? यहां पर आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, काराकोरम रेंज में वाक़ है, ऑप्शन बी है। 57 नंबर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब आपका काराकोरम रेंज है। 58 नंबर पर क्वेश्चन है, द फेमस मोहता पैलेस इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? मशहूर मोहता पैलेस ये पाकिस्तान की किस शहर में वाक़ है? कराची, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज, अर्जेंटीना का जो कैपिटल है यहाँ पर ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, ब्यूनोस एरिस कैपिटल अर्जेंटीना का। 60 नंबर पर क्वेश्चन है, द विक्टोरिया फॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ टू अफ्रीकन कंट्रीज, विच वंस? विक्टोरिया फॉल बॉर्डर दो अफ्रीकन कंट्रीज के बॉर्डर पर वाक़ है, इसमें से मंदरजा में से जम्बिया एंड जम्बावी, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 60 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, काइटो प्रोटोकॉल किसके मुतलिक हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 61 नंबर क्वेश्चन में आपका दुरुस्त जवाब है क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका दुरुस्त जवाब है 61 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है, द फेमस शालीमार गार्डन आर लोकेटेड इन विच सिटी? लाहौर, ऑप्शन बी ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है आपका। 62 नंबर क्वेश्चन में, 63 नंबर क्वेश्चन है, अयूब नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है, रावलपिंडी में अयूब नेशनल पार्क वाक़ है, ऑप्शन सी 63 में आपका दुरुस्त जवाब है। 64 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन, पाकिस्तान का पहला आईन नाफिज किया गया, ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 64 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चुलिस्तान डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज, चुलिस्तान डेजर्ट को कहते हैं बी कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन 65 में आपका दुरुस्त जवाब है रोही, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है आपका 65 क्वेश्चन में। 66 क्वेश्चन, बिल गेट इज फेमस फॉर, बिल गेट मशहूर हैं किसके लिए मशहूर हैं? यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब, माइक्रोसॉफ्ट के लिए बिल गेट मशहूर, ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है कैनबेरा, कैनबेरा है ऑप्शन ए यहाँ पर आपका दुरुस्त जवाब है 67 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर पर क्वेश्चन है, द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ फ्लावर,
पुलों का जमीन किसको कहते हैं? नदरलैंड, ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है 68 नंबर पर क्वेश्चन में। 69 नंबर पर क्वेश्चन है, वर्ड सुनामी बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज, वर्ड सुनामी किस जबान से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है आपका 69 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है जापान। 70 नंबर पर क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट, कौन सा मुल्क ज़्यादा बजट देता है यूएन बजट में? ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है यूएसए, यानी ज़्यादा बजट देता है, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, टर्म कंप्यूटर किस जबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है आपका लैतिन जबान का लफ्ज़ है कंप्यूटर। 72 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बाप किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है आपका। 73 क्वेश्चन है, WW स्टैंड फॉर, WW एब्रीवेशन है किसका? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है 73 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन, 1 GB इज इक्वल टू, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है 1024 मेगाबाइट के बराबर है, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 74 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, यानी वो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है एनालॉग और डिजिटल को, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है। 75 नंबर क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन है, व्हाट इज अ शॉर्ट की ऑफ चेंज द फॉन्ट इन एमएस वर्ड में, कौन सा शॉर्ट की इस्तेमाल होता है? यहाँ पर आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, यहाँ पर आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। 76 क्वेश्चन में, 77 क्वेश्चन है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एक्सेल इज, मैक्सिमम जूम परसेंटेज एक्सेल में क्या है? 400%, ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है। 77 क्वेश्चन में, 78 क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट ब्लॉक ऑफ सेल इज कॉल्ड, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट ब्लॉक सेल किसको कहते हैं? रेंज को कहते हैं, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है आपका 78 नंबर क्वेश्चन में। 79 नंबर क्वेश्चन है, डिफॉल्ट नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड एमएस वर्ड फाइल इज, यहां पर आपका 79 नंबर क्वेश्चन में आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट 1, ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है। 80 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट, 80 नंबर क्वेश्चन में आपका जो दुरुस्त जवाब है वो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी कट एंड पेस्ट, आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम द वर्ड कुरान इज रिपीटेड इन कुरान, कुरान पाक में कुरान का लफ्ज़ कितने दफ़ा दोहराया गया है? ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 70 मरतबा दोहराया गया है, ऑप्शन 82 नंबर क्वेश्चन, फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन, रोजे फर्ज हुए सेकंड हिजरी, ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 83 नंबर क्वेश्चन, विच सूरा इज द नेम ऑफ वन होली वार, किस सूरा का नाम एक पाक जंग के नाम से है? यहाँ पर ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 83 नंबर क्वेश्चन, अहज़ाब के नाम से है एक सूरा। 84 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, का जो मज़ार है ऑप्शन सी जॉर्डन में वाक़िया है, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 85 नंबर क्वेश्चन है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला वाज़ द कैलिफ फॉर डेशियर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कितने साल के लिए खलीफा रहे? ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है 10 ईयर्स, यानी 10 साल के लिए रहे। 86 नंबर क्वेश्चन, हु रोट द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हुदैबिया के जो मायदा था वो तहरीर किया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 86 क्वेश्चन में, 87 नंबर क्वेश्चन, हु वाज़ द फर्स्ट कमांडर ऑफ इस्लामिक आर्मी के पहले कमांडर कौन थे? यहाँ पर आपका जो दुरुस्त जवाब है हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, 87 में, ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है। 88 नंबर क्वेश्चन है, सूरह बकरा कंटेंस डैश वर्सेस 286, यानी 286 आयात हैं सूरह बकरा की। जमजम मींस, 89 नंबर क्वेश्चन है, जमजम का मतलब है टू स्टॉप, यानी रोकना, ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है 89 क्वेश्चन में। 90 नंबर क्वेश्चन है, डैश सिटी इज द नेम इज कॉल्ड होम ऑफ हदीस, मदीना को होम ऑफ हदीस कहते हैं, ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है 90 क्वेश्चन में।
91 नंबर क्वेश्चन है, फिरदौस बरी किस अदीब का मशहूर तारीखी नावल है? यहाँ पर आपका दुरुस्त जवाब है अब्दुल हलीम शर्रर, ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है। 92 नंबर क्वेश्चन, किताब चचा चिकन किसकी तसनीफ है? इम्तियाज़ अली ताज आपका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन में 93 नंबर पर सवाल है, गज़ल के कौन से शेर को मतला कहते हैं? यहाँ पर 93 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दुरुस्त जवाब है, पहले शेर को मतला कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 93 नंबर पर सवाल में 94 नंबर सवाल है, दुरुस्त मुहावरा बताएं, लाल पीला होना, ऑप्शन ए आपका दुरुस्त जवाब है। 95 नंबर क्वेश्चन है, जोश खरोश का मुतरादिफ क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, जज्बा, जोश खरोश का मुतरादिफ जज्बा होगा। 96 नंबर पर सवाल है, ग्रामर की रूह से कलम कौन सा इसम है, इसमें आला है, ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है। 96 नंबर पर क्वेश्चन में 97 नंबर सवाल है, जाहिद के महमानी लफ्ज क्या है? इबादतगार, ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है। 97 नंबर सवाल में 98 नंबर सवाल है, कवायद की रोज़ से बेमानी अल्फाज को क्या कहते हैं? महमल कहते हैं, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। अलामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला? यहाँ पर आपका दुरुस्त जवाब है, 1922 में मिला है। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ? ये 1867 में हुआ था, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है आपका। डियर फ्रेंड, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।